नमस्कार। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर। न्यू लिंक रोड नियर लालजी पांडा पुलिस चौकी कांदिवली में विशाल सभा का किया गया आयोजन। आपको बता दें, गरीब झोपड़ा धारकों को फंसाने वाले बिल्डर और उनके दलाल आमदार एमएलए श्री योगेश सागर जी, नगर सेवक बाला तावड़े, नगर सेवक कमलेश यादव के मार्गदर्शन में विशाल सभा का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में गरीब झोपड़ा धारक पुनर्वासन के लोग इस जनसभा में हिस्सा लिए। झोपड़ा धारक झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण एसआरए के अंतर्गत बिल्डर और उनके दलालों के शिकार हुए हैं। आज भी अपने हक के लिए घर और भाड़े के लिए दर दर भटकना और टुकड़े खाना पड़ रहा है। कुछ बिल्डरों ने अपने क्षेत्र में छतरी बात का लोगों को गुमराह कर अपनी पेपर पर साइन करवा कर झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण एसआरए के नियमानुसार बिल्डर की क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। उसके क्षेत्र में लगभग 51% लोगों की सहमति जरूरी है, जिसको देखते हुए बिल्डर और दलालों ने झोपड़पट्टी वालों से साइन करवा कर अपनी सहमति बनाकर धंधे में लिप्त हो रहे हैं। आपको बता दें, लोगों को गुमराह करके बिल्डर के पास एग्रीमेंट करके पीछे दलाल को अपनी जीविका का साधन बना लिया है, जिसको देखते हुए ये विशाल जनसेवा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ऐसे दलालों के खिलाफ अपने क्षेत्र समाज के लोगों को जागरूक करना जरूरी है। आप सभी लोगों से बताना चाहेंगे, आमदार श्री योगेश सागर जी के नेतृत्व में होने वाली इस बड़ी जनसभा में शामिल होकर इस बिल्डर और दलालों द्वारा एसआरए संबंधित अपनी शिकायतों से महाराष्ट्र सरकार को जागरूक करते हुए आम जनमानस इस बड़े बड़े दलालों से बचने के लिए, अपनी झोपड़पट्टी को बचाने के लिए इस सभा में एकत्रित हुई है। पूरा मामला जानते हैं। इस सम्मेलन में आरएस वर्मा, संजय सिंह, अफजल खान, साहिद खान, आमीन इदरीसी, इश्तियाक खान के अलावा नगर सेवक, मुख्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं कांदिवली ब्यूरो चीफ शामिल के सहयोगी शफातुल्ला मनिहार की खास रिपोर्ट। देखिए, लोगों का छोटा सा सपना और जिंदगी का सबसे बड़ा सपना, ये अपने घर के घर का सपना है। 1995 से लेकर के 2024 अभी पूरा होने को है। 30 साल सरकारें कोई भी हो, लोगों को घर देने के लिए काम करने वाली सरकार हो। 30 साल तक ये झोपड़पट्टी में बसे हुए लोग, जो आज से 35-40 साल पहले झोपड़पट्टी में आए हैं, 1995 से लेकर के 2024 तक अगर 29 साल में भी उनको घर नहीं दे सके, कमी क्या है? बिल्डरों की कमी है, राजनीतिज्ञों के कुछ प्रश्न है। बिल्डर का और राजनीतिज्ञों का साठगांठ के कारण ये होता है। बिल्डरों के लिए काम करने वाले लोगों का, लोगों के प्रति जो विश्वास खड़ा करना चाहिए वो खड़ा कम नहीं होता है, इसके कारण होता है। ये सारे कारण देखने के बाद ये बात ध्यान में आई है कि यहाँ पर सामान्य नागरिक अपना घर के लिए जब परेशान है, तब कुछ लोग गुमराह करके सादा एनेक्सर लोगों तक नहीं पहुंचना, सोसाइटियों की कमेटी 20-20 साल तक एक ही कमेटी ने काम करना, एक बिल्डर ने अपनी सिग्नेचर लेकर के कंसेंट लेकर के दूसरे बिल्डर को बेचना, दूसरे ने तीसरे को बेचना, तीसरे ने फिर पहले वाले को बेचना, फिर पहले वाले ने चौथे वाले को बेचना। तो गरीब का तो घर ही नहीं है भाई, जमीन सरकार की है, झोपड़े गरीबों के हैं, और सौदेबाजी 5,000 फुट इसकी, 15,000 फुट इसको, लाख फुट इसको, ऐसे सब सौदे चलेंगे तो गरीब कहाँ जाएगा। और इसलिए ये काजल की कोठड़ी है, मैं जानता हूँ। थोड़े समय लंबे रहने का कोशिश किया कि अपने आप पलट जा करके सरकार की योजना में लोग अपने आप से अगर तैयार होकर के जुट जाते हैं और उसको कोई अड़चन नहीं होती है, तो जो मदद मांगने को आएंगे उसे करूंगा। लेकिन जब ये परिस्थिति सामने आती है कि गलत प्रचार करना और छोटे छोटे लोगों को फंसाना, यहाँ पर 6-6, 7 साल, 8-8, 9-9, 13-13, 18-18 साल कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करना बिल्डर तय होने के बाद। और इसलिए मैंने आज ये पहली सभा बुलाई थी, और इस सभा में मैंने ये कहना कि सभा मैंने बुलाई थी, लोगों ने भी मुझे बुलाया था, दोनों आरस परस है। मेरी भी इच्छा थी और लोगों की भी इच्छा थी, आज लोगों के सामने आया। पात्रता कराने के लिए सरकार ने बहुत आसान तरीका निकाला, माननीय एकनाथ राव शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा की सरकार ने इतना आसान तरीका निकाला है कि पात्रता ऑनलाइन हो सकती है। तो पात्रता भी आप अपनी करा लीजिए, अगर पात्रता में कोई कमतरता है तो कागजों की पूर्तता करने के लिए सरकार की यंत्रणा से जो मदद चाहिए वो हम आपको करके देंगे। और आगे चल करके बोगस पात्रता कर करके, एसआरए का गलत उपयोग कर करके 2,500 मेंबरों की, 2,000 मेंबर की सोसाइटी में 200 लोग पात्र है, 300 पात्र है, उनके द्वारा वोटिंग करा करके बिल्डर लाना, ये सब आने वाले दिनों में चलने वाला नहीं है। जितने लोग हैं उसकी पहली प्राथमिक कम से कम कागज का एनेक्सर बना करके उसकी पात्रता तय करने का काम में हम मदद करेंगे, सोसाइटी भी मदद करेंगी और सोसाइटी के साथ काम करने वाले पदाधिकारी भी मदद। जॉब होते हैं, समिति वाले लोग
काम करते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सब कमेटी के मेंबर ऐसा नहीं होते। अगर सब कमेटी के मेंबर ऐसा होते हैं तो ये यंत्रणा चल नहीं सकती। जो प्रमाण में ऐसे कुछ लोग होंगे जिसके बारे में कुछ फिरियाद है, इसके आने वाले दिनों में कमेटी के उस लोगों को और सोसाइटी के लोगों को साथ में लेकर के इसको जैसा रास्ता करना है। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि कल ही चुनाव होने वाला है इसी कांजोली में एक सोसाइटी का, तो परिणाम सामने आ जाएगा। लोगों को जिस पर विश्वास है उसको चुन कर देंगे, जिस पर विश्वास नहीं उसको बाजू में करेंगे। अभी वही लोग जाकर के उसी बिल्डर के गोद में बैठे, तो ये तो मेरा काम नहीं है भाई। मेरा काम तो है, सही है तो सही बताना, गलत है तो गलत बताना। सामान्य नागरिकों को अपने घर का घर मिले, उसके लिए जो भी अड़चन है उसका रास्ता बना के देना, ये मेरा काम है। इसलिए जो ऐसे लोग होंगे, लोग अपने समय पर उसका उसको जवाब दे देंगे। यही शहरवासियों को संदेश देना है, आप बिल्कुल लाचार नहीं है, बिल्कुल कमजोर नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। आपके लिए सरकार काम करती है, आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री और सभी दोनों उप मुख्यमंत्री काम करेंगे, हम जनप्रतिनिधि के नाते काम करेंगे। हमारे माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ये मिशन पर निकले हैं कि उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाना, और उत्तम मुंबई बनाते समय झोपड़पट्टियों का पुनर्विकास करना। जहाँ पर झोपड़पट्टी का पुनर्विकास है वहीं पर उसको जगह मिले, उसके लिए सारी यंत्रणा को खड़ा करके सज्ज करना। इसके लिए हम बैठे लोगों को यही करेंगे। देखिए, फिर मैं ये कहता हूँ, ये कमेटी के लोगों के कहने से कुछ काम होने वाला नहीं, कमेटी के लोगों से कहने से काम नहीं होगा। अब कांजोली में वो बिल्डर रहेगा जिसने बिल्डिंग बनाकर देने के बाद रिहैब के बिल्डिंग की ओसी लाई है, उसने फायर के सारे नॉर्म्स पूरे किए हैं, जिसने महानगर पालिका के आवश्यक रास्तों के कामों को पूरा किया है, और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बगैर अगर पोजीशन दिया है, तो ऐसे बिल्डरों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि कभी भी नहीं करेगा। ऐसे बिल्डरों के खिलाफ जो भी कार्रवाई कानून से करनी पड़ेगी हम करेंगे। भाई आजाद का मुद्दों के ऊपर मैं आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ कि जो गलत काम जिग्नेश दत्तानी ने किया